नमस्कार, न्यूज़ एम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आशीष कुमार, मेरे साथ है शैलेंद्र झा। आज हम लोग बात करते हैं इस वक्त झारखंड की आज की जो सबसे बड़ी खबर है, बाबूलाल मरांडी जी का 14 साल के बाद बीजेपी में फिर से वापस होना, लौटना। तो शैलेंद्र जी, आप ये बताएं कि बाबूलाल जी का बीजेपी में आना बीजेपी के लिए क्या मायने रखता है? बाबूलाल जी की घर वापसी को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो बीजेपी को उससे क्या फ़ायदे हैं और दूसरा क्या नुकसान है। मैं बहुत संक्षेप में इसको रखना चाहूँगा। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो बीजेपी को सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उन्हें एक आदिवासी नेता मिल गया है, जो कि न सिर्फ ईमानदार छवि वाला है बल्कि सर्वमान्य भी है और एक्सेप्टेबल है पूरे उनके कैडर में, क्योंकि उनका अपना पुराना रिकॉर्ड रहा है। वो पहले भी RSS के प्रचारक रहे हैं, बीजेपी में शामिल रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों से उनकी जान पहचान है और उनकी पहचान और उनकी स्वीकार्यता है उस पार्टी में। तो बाबूलाल जी के आने से बीजेपी को एक आदिवासी चेहरे की जो तलाश थी वो पूरी हो गई है, और इसकी तलाश उनको मध्य प्रदेश में भी थी, छत्तीसगढ़ में थी, और ये बहुत दिनों से उनकी रणनीति में शामिल था कि उन्हें एक आदिवासी चेहरा या स्थानीय चेहरा चाहिए होता है, जो जिसको वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकें। तो रघुवर दास के बाद और कोई बचा नहीं है, और ऐसे में बाबूलाल एक अच्छे ऑप्शन है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि बाबूलाल के आने से न सिर्फ बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी बल्कि उनका एक अपना फिक्स वोट बैंक भी है, खासकर संथाल परगना हिस्से में वो बैंक भी इनको मिल जाएगा। तो ये JVM प्लस बीजेपी का जो गठबंधन है एक तरह का, या उनका जो कैडर है, या उनके जो कार्यकर्ता है, या उनके जो समर्थक हैं, ये जब इनमें बीजेपी में के साथ हो जाएंगे तो इसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। जो एक नुकसान है इनका, वो दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के पहले से ही बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, और फिर कुछ नए चेहरे जो पीछे से हैं, जो सेकंड लाइन के हैं। तो उन सब के सामने बाबूलाल मरांडी को उनसे सामंजस्य भी स्थापित करना होगा, और उन लोगों को थोड़ी असहजता हो सकती है जो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे अगले बीजेपी के। तो वहाँ पे बाबूलाल मरांडी को थोड़ा विरोध या अंतर्कलह का सामना करना पड़ सकता है, और आपको याद होगा इसी वजह से उनको पार्टी छोड़नी ही पड़ी थी। दूसरा जो नुकसान ये है कि हर पार्टी में हर नेता के अपने विश्वासपात्र लोग होते हैं जो उन्होंने JVM में बनाए हैं। तो जब पार्टी में टिकट देने की बात आएगी, पोजीशन देने की बात आएगी, तो हो सकता है कि JVM के उनके विश्वासपात्र लोगों और बीजेपी के लोगों में वो टसल हो, और बाबूलाल मरांडी को ये चीज़ें बहुत संभाल के हैंडल करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ यह है कि बाबूलाल मरांडी को या बीजेपी को संघ से और उनका जो आदेश है उसको मानने में उनकी समस्या हो सकती है, क्योंकि अभी तक बाबूलाल मरांडी ने जनता में अपनी छवि एक न्यूट्रल नेता के तौर पर बनाई थी, जो उनकी विचारधारा कट्टर हिंदूवादी वाली नहीं थी या RSS वाली नहीं थी। अब उनको उस विचारधारा के हिसाब से चलना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है पार्टी को भी और उनको भी, क्योंकि उनकी छवि का थोड़ा नुकसान हो सकता है। अब इसके असली क्या मायने हैं, अब ये आशीष जी आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं असली मायने नहीं कहूँगा, चूँकि शैलेंद्र जी जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कही। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ता हूँ, गौर करने वाली बात है कि बाबूलाल मरांडी पार्टी में शामिल हो रहा है, और आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि मैं तो जब पार्टी का अध्यक्ष 2014 में बना तब से प्रयास कर रहा था कि श्री बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। मगर ठीक ही कहा, थोड़े जिद्दी प्रकार के व्यक्ति है, जल्दी नहीं माने। मगर अब झारखंड की जनता का अभिप्राय भी वो जान गए हैं, और आज हम सबकी इच्छा के अनुसार वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। एक अध्याय उनके लंबे भ्रमण का समाप्त होकर फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आज प्रस्तापित हुए हैं, इसका मुझे विशेष आनंद। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने को हाइप करना है तो ये इस तरह से हाइप नहीं हो सकता था। यहाँ पर JP नड्डा होते, प्रधानमंत्री मोदी होते, तो इस वापसी को बहुत शानदार बताया जाता, ये मेरी निजी राय है। दूसरी बात जो मैंने गौर की वो ये है कि बाबूलाल मरांडी और अमित शाह के बीच स्टेज पर आई कॉन्टैक्ट करीब करीब नहीं के बराबर था। उस समय भी जब बाबूलाल मरांडी अपना भाषण दे के आए तब वो एक ओर देख रहे थे और अमित शाह दूसरी ओर देख रहे थे।
मैं इसके कोई मायने नहीं निकाल रहा, बस जो संकेत मैंने देखे वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तीसरी बात, जब अमित शाह जी बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने की बात कर रहे थे, तो जो वहाँ पर जनता बैठी थी उसने कोई बहुत उल्लास से, बहुत स्वागत भाव से इस घटना, इस चीज़ को लेकर के तालियां नहीं बजाई। और इस पर मेरा रिएक्शन नहीं, अमित शाह जी का रिएक्शन था कि इतना धीरे से आप लोग क्यों इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई झारखंड वालों की आवाज को क्या होगा, ऐसी आवाज निकलेगी क्या? मोदी जी दिल्ली में है, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। इस तरह से आप लोग इस पर आवाज उठाइए कि ये आवाज़ मोदी जी तक पहुँचे। तो जो रिस्पांस उम्मीद कर रहे थे अमित शाह जी, वो जनता की ओर से उनको देखने को नहीं मिला था। अब यहाँ से हटते हुए मैं इस बात को दूसरी ओर ले जाना चाहता हूँ। एक बात यह है कि बाबूलाल मरांडी जी के आने का पहला मतलब क्या है। बीजेपी एक जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लेके आई थी, उसके तहत हर एक राज्य में जो एक इम्पॉर्टेंट जाति या समुदाय का वर्चस्व होता था राजनीति में, उसको नहीं चुन के दूसरे समुदाय से किसी को लाती थी। तो एक आइडिया ये था कि जो दूसरे समुदाय है वो एक बड़ा वोट बैंक होता है और ये राजनीति वो करती आई थी। अब ये बात पाया गया कि अभी हाल फिलहाल में मई में जब से लोकसभा का चुनाव, उसके बाद जो भी रिजल्ट आया, जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में और राजस्थान, यहाँ झारखंड में भी, तो पाया गया कि जो लोकल डोमिनेंट कास्ट है उसको साथ नहीं रखने का नुकसान हुआ है, पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है। और इसका रिजल्ट जो है वो पहली बार यहीं से शुरू हो रहा है, झारखंड से ही, कि अगर बीजेपी में बाबूलाल मरांडी जी को एक बड़ा पद मिलता है तो इसका मतलब सोशल इंजीनियरिंग के जिस फार्मूले पर बीजेपी चलती आ रही थी वो फार्मूला बदल गया है, इसका पहला सबूत यहाँ मिलने वाला है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी में जो ये एक बात कही जा रही है कि बीजेपी अगर लेके आई है तो बाबूलाल मरांडी ऐसा क्या रख रहे हैं टेबल पर जो बीजेपी को चाहिए या उसके पास नहीं है, तो एक बात कही जाती है कि ट्राइबल लीडर चाहिए बीजेपी को, जो रघुवर दास जी नहीं है। तो मेरा कहना है कि अगर बीजेपी को ट्राइबल लीडर ही चाहिए तो ट्राइबल लीडर के तौर से अर्जुन मुंडा एक बड़ी हस्ती है, केंद्र में भी वो ट्राइबल मिनिस्ट्री ही हैंडल कर रहे हैं और झारखंड के वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा करिया मुंडा झारखंड में ट्राइबल के बहुत बड़े लीडर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बाबूलाल मरांडी जी का बीजेपी में आना वो जो ट्राइबल वाला खांचा है उसमें आता है। मुझे लगता है कि एक दूसरा खांचा है, वो है ईमानदारी का। क्या कि बीजेपी जो 2000 से अब तक हम देखते हैं, 2020 साल का, उसमें हम यही देखते हैं कि बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पहले नेता थे, शायद अभी तक जनता की सामूहिक याददाश्त में वो सबसे ज़्यादा ईमानदार नेता की छवि रखने वाले नेता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो पार्टी को, और ख़ासतौर से जैसे आप दिल्ली के इलेक्शन का भी एक इसका इम्पैक्ट कर सकते हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी आए तो उनका बैकग्राउंड था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, ईमानदारी को उन्होंने मुद्दा बनाया था। तो बीजेपी को लगता है शायद कि रघुवर दास जी का जो शासनकाल था 5 साल का, उसमें काम तो बहुत सारा हुआ, लेकिन जैसे सरयू रैनी जी कहा कि ये रघुवर दास नहीं, रघुवर दाग है। तो बीजेपी को लगता है कि एक ईमानदार छवि से पार्टी को फायदा हो सकता है। राजनीतिक जो करियर था उनका नीचे गिरता जा रहा था लगातार, उसका ग्राफ, अब उनको एक बड़े पार्टी का सहयोग मिल गया है, बड़ा दल मिला है, बड़ा सपोर्टर बेस मिल गया है और एक संगठन की शक्ति उनको मिली है, एक बड़ा संगठन उनके साथ होगा जो उनकी मदद कर सकता है चुनाव में भी और आगे भी। प्लस देश की नंबर वन या नंबर टू पार्टी के तौर पे मैं उनको स्थापित हो गया, उस पोजीशन में चले गए। प्लस इसके अलावा वो विधायक दल के नेता की बात, उनकी बात पक्की मानी जा रही है, तो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, तो उनको सत्ता भी मिल रही है, पार्टी का साथ मिल रहा है और वो इज्जत मिल रही है और फ्यूचर भी उनका करियर ग्राफ पढ़ने के संकेत हैं। जो नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान में सबसे बड़ी बात है कि इनकी अपनी जो वैचारिक जो चीज़ें थी वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब उनको संघ के नियमों के हिसाब से, संघ के फैसले के हिसाब से या संघ के एजेंडे के हिसाब से बोलना, चलना, करना पड़ेगा।
जो कि पहले ऐसा नहीं था, वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें तय कर सकते थे। दूसरा एक जो घाटा एक आमतौर पर आप समझ सकते हैं कि आप एक छोटे से देश के राजा थे, आज आप बड़े देश के सेनापति हो गए हैं। पहले आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष थे और अब आप एक पार्टी में उसका एक हिस्सा बन गए हैं, तो ये पोजीशन का नुकसान उनको ज़रूर हुआ है। और उनकी अपनी मनमर्जी से जो अपने हिसाब से जो पार्टी चलाने की थी वो चीज़ें बदल गई हैं, उनको पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा, पहले पार्टी उनके हिसाब से चलती थी। तो ये दो नुकसान है उनको व्यक्तिगत तौर पर, और राजनीतिक तौर पर तो उनके लिए फ़ायदे की बात है क्योंकि एक बड़ी पार्टी में शामिल होने से उनके करियर को फ़ायदा मिलेगा। अमित शाह जी ने जब ऐलान किया कि बाबूलाल जी को बीजेपी में आज से शामिल किया जा रहा है, उस समय उन्होंने एक चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि बाबूलाल जी बड़े ज़िद्दी हैं, 2014 से मैं इनको मना रहा था, अब ये तैयार हुए। इसके बाद जो उन्होंने कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि जनता का अभिप्राय बाबूलाल जी भी समझ गए। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे थे कि JVM जो पार्टी है जो 2006 में बाबूलाल जी ने बनाई, वो 2014 में उनको 2009 में उनको 11 सीटें मिली, 2014 में 8 सीटें मिली, और अभी जो चुनाव हुआ 2019 में उनको 3 सीटें मिली। इन 3 सीटों में भी अगर कहा जाए कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का चुनाव जीतना, मतलब उनका JVM में होना जो है वो एक सहयोग मात्र था, वो खुद भी शायद चुनाव जीत सकते थे। एक तरह से बाबूलाल मरांडी जी अपने पार्टी के अकेले विधायक थे और अभी है भी, तो एक साफ है कि एक डिसेंडिंग ऑर्डर है पार्टी के लिए। यही वो कहना चाह रहे थे अमित शाह कि JVM जो पार्टी है, अब जो राज्यों में राजनीति होने जा रही है वो दिख रही है, नज़र आ रही है, वो इस तरह से है कि एक तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी BJP है और दूसरी तरफ उसके अपोजिशन में जो दूसरी पार्टी है वो है। अब इस तरह से जो किंग मेकर वाली पार्टियां थी जैसे आसू थी या JVM थी, उनका भविष्य नहीं रहा। तो साफ इशारा ये है कि बाबूलाल मरांडी के BJP में शामिल होने को BJP किसी तरह से हाइप नहीं कर रही, उसके लिए एक सामान्य घटना है। बस उसने इसको इतना ही किया कि सम्मानजनक बनाया है। अब यहाँ से देखते कि बाबूलाल जी के लिए रास्ता किधर जा रहा है। बाबूलाल जी के आने से ये हुआ कि नीलकंठ सिंह मुंडा या CP सिंह जैसे नेता जो कि रेस में थे लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, उनके मुकाबले बाबूलाल मरांडी का जो करियर है और जो उनका कद है वो BJP के लिए ज़्यादा बड़ा एसेट साबित होंगे, ये पार्टी को लग रहा है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि 2024 में असेंबली चुनाव या इसके पहले जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसको लेकर के अभी से पार्टी रणनीति कर रही है, उनका ट्राइबल होना ये सब चीज़ें बहुत दूर की बात है। फिलहाल तो यही नज़र आता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल में बाबूलाल मरांडी जी आ रहे हैं, और बाबूलाल मरांडी के लिए अगर देखा जाए तो यही वो चाहते भी थे, क्योंकि जब उन्होंने हेमंत सोरेन को समर्थन दिया था तो हेमंत सोरेन ने इनको कुछ बदले में नहीं दिया। 3 विधायकों के साथ बाबूलाल मरांडी जी आए, लेकिन हेमंत सोरेन की जो मिनिस्ट्री बनी उसमें इनको इनके लिए कोई जगह नहीं था। तो बाबूलाल मरांडी वास्तव में कहीं के नहीं रह गए थे। अब इसके मुकाबले इनको लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बनाया जाता है तो इनका कद निश्चित तौर से बढ़ेगा। एक ऐसी शख्सियत के लिए जो 10 साल से और 5 हार, इसमें लोकसभा और असेंबली के चुनाव शामिल है, तो 10 साल से ये 5 चुनाव हार चुके थे, तो उससे इनको थोड़ा सा एक राजनीतिक संजीवनी मिल गई है BJP के जरिए, और यही वो चाहते भी थे कि राजनीति में जो इनका करियर है, जो इस बार इस इलेक्शन में JVM अकेली पार्टी थी जिसने सभी 81 सीट पर उम्मीदवार खड़े किए थे, तो जाहिर है कि इनका एम्बिशन बहुत बड़ा था। और वो कह भी रहे थे कि इस बार JVM ही सत्ता में आएगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह की बातें। तो जाहिर है अब राजनीति से ज़्यादा वो अब सच्चाई के धरातल पर आ गए हैं कि झारखंड की जनता ने JVM को नकार दिया है, और BJP कुछ भी है अभी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसमें उनको अपना भविष्य नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से इतनी ही सच्चाई है, और JVM का ख़त्म होना कोई बड़ी घटना नहीं है, इसके लिए कोई भी बहुत ज़्यादा आंसू बहाने वाला नहीं है। और बाबूलाल जी का BJP में शामिल होना एक तरह से यही कहा जा सकता है कि BJP ने बाबूलाल जी को एक गरिमापूर्ण ढंग से 14 साल के बाद घर वापसी की इजाज़त भर दे दी,
उनका कद कोई बहुत ऊंचा हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी हाइप नहीं कर रही है इस घटना को, और यही उचित होगा कि इस घटना को हाइप नहीं किया जाए, मेरा यही कहना है। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप अपनी राय दें हमें, हमारा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पेज पे, यूट्यूब पे या हमारे वेबसाइट पर आए अपनी राय दें। धन्यवाद।